चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलेगा कि किसी भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में न्यूक्लियस का क्या रोल है, किसी भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में साइटोप्लाज्म का क्या रोल है, ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं आज। तो एक अंकल थे, उनका नाम था हैंस स्पीमन, ठीक है। ये अंकल ना बड़ी टॉप चीज थे, इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया अभी देखेंगे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें इन्होंने किया है कि सेलेमेंडर का एक एम्ब्रियो लिया, एक जाइगोट लेते हैं, सेलेमेंडर का एक जाइगोट लिया, ठीक है। जाइगोट ने जैसे क्लिवेज करके अभी दो में डिवाइड किया था अपने आप को, तो हैंस स्पीमन अंकल ने इन दोनों सेल्स को अलग कर दिया बाय यूजिंग अ ह्यूमन हेयर, ठीक है। ये एक बाल है, ह्यूमन हेयर यूज किया, और हैंस स्पीमन अंकल ने इन दोनों सेल्स को, अभी जाइगोट था एक था, फिर दो में डिवाइड हुआ जाइगोट, जैसे ही दो में डिवाइड हुआ दोनों सेल्स को अलग कर दिया, एक अलग हो गया दूसरा अलग हो गया। अब हैंस स्पीमन अंकल ने दोनों को अलग अलग रखा और चेक किया कि क्या ये वाला और ये वाला दोनों अलग अलग सेल्स एक कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आगे जाकर ये देखा गया कि एक कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्म कर दिया इन दोनों ने, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों डिवाइड हो चुके थे इन दोनों सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब इन अंकल को अभी भी समझ नहीं आई, इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने उठाया जाइगोट, जाइगोट को भी दो में डिवाइड नहीं होने दिया, इन्होंने एक ह्यूमन हेयर लेकर जाइगोट को खुद से टाई कर दिया, एक साइड पर न्यूक्लियस रहने दिया और दूसरे साइड पर न्यूक्लियस नहीं आने दिया। अब इन्होंने ये देखा कि जिस साइड पर न्यूक्लियस था वहां तो सेल डिवीजन प्रॉपरली होती रही, ये देखो, लेकिन जहां पर सिर्फ साइटोप्लाज्म था वहां पर डिवीजन नहीं हुई। इट मींस कि कोई ना कोई रोल तो है एम्ब्रियोनिक डिवीजन में, किसका? न्यूक्लियस का। फिर अंकल ने कहा चलो एक और काम करते हैं, उन्होंने जो यहाँ से टाई किया था ना, उसने उन्होंने इस हेयर को यहाँ से रिमूव कर दिया, न्यूक्लियस यहाँ पर आ गया वापस इस साइटोप्लाज्मिक रीजन में, ठीक है। अब इन अंकल ने क्या किया, अब इन अंकल ने ये वाला जो सेल था ना जिसमें अब न्यूक्लियस आया, इस सेल को सेपरेट कर दिया। इस सेल को सेपरेट करके चेक किया कि क्या एक कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्म होता है या नहीं होता, और उन्होंने देखा कि कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्म हो गया। इट मींस कि न्यूक्लियस का रोल है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, राइट? इस एक्सपेरिमेंट ने ये पता चला कि अकेला साइटोप्लाज्म कुछ नहीं कर सकता जब तक न्यूक्लियस ना हो, ठीक है। तो इससे उन्हें ये पता चला कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस क्या है इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, राइट? एक और एक्सपेरिमेंट है, एक को देख के दूसरे भी रंग पकड़ते हैं। हैमरलिंग अंकल थे, नाम क्या था अंकल का? हैमरलिंग। इस एक्सपेरिमेंट को क्या कह दिया? हैमरलिंग्स एक्सपेरिमेंट कह दिया। हैमरलिंग अंकल ने क्या कहा? हैमरलिंग अंकल ने कहा कि मैं भी अब ये वाला प्रैक्टिकल करूंगा, लेकिन उन्होंने जाहिर सी बात है कुछ चेंज तो करना था ना, तो उन्होंने क्या किया उन्होंने एक यूनिसेल्यूलर एल्गी उठाया, एसिटोबैक्टीरिया, एसिटोबैक्टीरिया की उसने दो स्पीशीज ले ली है, एक है एसिटोबैक्टीरिया मेडिटेरेनिया, एक है एसिटोबैक्टीरिया क्रैनुलेटा, ठीक है। एक ही एल्जी है ये, ठीक है, दो अलग अलग स्पीशीज है, डिफरेंट स्पीशीज है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट लग रहा है लेकिन एल्जी का वैसे बेसिक सेम है, यानी कि इसके पास एक स्टॉक है
राइजोइड है। अच्छा, इस राइजोइड में यहाँ पर वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस राइजोइड में यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ इस स्टॉक में साइटोप्लाज्म है, स्टॉक के ऊपर एक कैप है, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो राइजोइड है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे शो नहीं हुआ हुआ। ये स्टॉक है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे मौजूद होगा इसका, और ये इसका कैप है। इन दोनों में एक डिफरेंस है, वो क्या है? कैप का। यहाँ पर अम्ब्रेला लाइक कैप है, हैविंग सम रिजेस, ठीक है, ये रिजेस हैं, लेकिन यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इस तरह से लोब्स बने हुए हैं इसके कैप में, ठीक है। तो इसलिए ये दो डिफरेंट स्पीशीज हो गई है ये एसेटाब्यूलेरिया ही। तो एक हो गई ए मेडिटेरेनिया, एक हो गई ए क्रैनुलेटा। यूनिसेल्यूलर एलजी है, तो एक ही सेल है ये पूरा, ठीक है। साइटोप्लाज्म इसका यहाँ सारा मौजूद है, इसका न्यूक्लियस कहाँ मौजूद है? यहाँ पर राइजोइड के पास। इसका न्यूक्लियस भी यहाँ मौजूद है राइजोइड के पास। इन अंकल को भी जाहिर सी बात है शौक आ रहा था, इन्होंने क्या किया, एसिटाबुलेरिया की स्टॉक को कट किया और इसके ऊपर स्टॉक किसकी लगा दी, इस एसिटाबुलेरिया क्रैनुलेटा की, ठीक है। अब उसूलन इसकी स्टॉक थी तो इसके ऊपर कैप भी इसी का आना चाहिए था, ब्लू वाला ए क्रैनुलेटा का, लेकिन यहाँ पर साइटोप्लाज्म तो कौन सा था इस स्टॉक में, एक क्रैनुलेटा का, तो हमें ये लग रहा था कि इसके ऊपर कैप भी एक क्रैनुलेटा का आना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर कैप आया किसका, ए मेडिटेरेनिया का। इसी तरह इन्होंने यहां पर भी किया, इसकी स्टॉक को कट किया, इस ए क्रैनुलेटा के ऊपर ए मेडिटेरेनिया की स्टॉक को ग्राफ्ट कर दिया। यहां लग रहा था क्योंकि स्टॉक किसकी है, मेडिटेरेनिया की, तो ए मेडिटेरेनिया का कैप आना चाहिए था, लेकिन कैप कौन सा आया, कैप आया एक क्रैनुलेटा का। तो इससे इन्होंने, हैमरलिंग अंकल ने, ये प्रूव किया कि इसकी डेवलपमेंट में रोल किसका है, न्यूक्लियस का। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस कौन सा प्रेजेंट था, ए मेडिटेरेनिया का, तो उस न्यूक्लियस ने अपना ही कैप बनवाया इस स्टॉक के ऊपर। यहाँ पर न्यूक्लियस किसका था, ए क्रैनुलेटा का, तो यहाँ पर इस न्यूक्लियस ने अपना ही कैप बनवाया। तो साइटोप्लाज्म कौन सा था, हमने चेंज कर दिया था, कौन सा था, ए मेडिटेरेनिया का। यहाँ साइटोप्लाज्म कौन सा था, ए क्रैनुलेटा का, ठीक है। लेकिन कैप कौन सा अपियर हुआ है, जौन सा न्यूक्लियस था, तो कौन सा न्यूक्लियस था, मेडिटेरेनिया का न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस ने अपना कैप बनवाया है। यहाँ कौन सा था, क्रैनुलेटा का, तो यहाँ पे न्यूक्लियस ने अपना कैप बनवाया। इट मींस कि यहाँ पर डेवलपमेंट में किसका, किसकी इम्पोर्टेंस है, न्यूक्लियस की इम्पोर्टेंस, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट से हमें लग रहा है कि साइटोप्लाज्म की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन अब हैंस स्पीमन अंकल, तो फिर हैंस स्पीमन अंकल ही थे ना, उन्होंने नहीं छोड़ा इसे, उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो करके रहना है। एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, पहले ये देखते हैं, हैंस स्पीमन अंकल को थोड़ी देर भूल जाते हैं। ये एक एग है, ठीक है। हमने कहा था एग का वेजिटल पोल वो होता है जहां योक होती है, एग का एनिमल पोल वो होता है जहां पर जाइगोट होता है, मतलब एग होता है मतलब अभी ये जाइगोट बनेगा ना फ्यूजन से, ठीक है। तो ये क्या है, एनिमल पोल जहां एग मौजूद है, और एग के साथ जो योक मौजूद है ये वेजिटल पोल है, ठीक है।
ये पूरा ओ अब इसे आके कौन फर्टिलाइज करता है? स्पर्म। स्पर्म आया, उसने फर्टिलाइज किया। जैसे ही स्पर्म ने इस एग को फर्टिलाइज किया है, तो ये वाली साइट क्या है? एंट्री ऑफ स्पर्म की साइट। यहां से स्पर्म एंटर हुआ है इस एग में। जिस साइट से स्पर्म एंटर होता है ना एग में, वो साइट इस एम्ब्रियो की डॉर्सल साइट फॉर्म करेगी। ये देखो लिखा है फ्यूचर डॉर्सल साइट। ये इस एम्ब्रियो का फेट लिख दिया गया है कि जिस तरफ से स्पर्म एंटर होगा, स्पर्म एंट्री पॉइंट है, वो पॉइंट, वो साइट क्या फॉर्म करेगा? एम्ब्रियो का डॉर्सल साइट फॉर्म करेगा, और उसका ऑपोजिट साइड एम्ब्रियो का वेंट्रल साइड फॉर्म करेगा। ठीक है? अच्छा दूसरा काम ये होता है कि जैसे ही स्पर्म एंटर होता है, तो साइटोप्लाज्म का, देखो साइटोप्लाज्म के ये जो पूरा एग है, इसका साइटोप्लाज्म होगा इसके अंदर। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में आपको पता है कि एक आउटर साइटोप्लाज्म होता है, एक इनर साइटोप्लाज्म होता है। तो इसका जो आउटर साइटोप्लाज्म होगा ना, कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म भी हम कह सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा शिफ्ट करता है। जैसे स्पर्म एंटर हुआ, तो देखो साइटोप्लाज्म यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट किया है, यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट किया है, जिसकी वजह से एक ये रीजन अपियर होता है, नॉन पिगमेंटेड रीजन, जिसे हम कहते हैं ग्रे क्रिसेंट। एक क्रिसेंट लाइक स्ट्रक्चर अपियर होता है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ या दिस टर्न ऑफ साइटोप्लाज्म, कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो हल्का सा टर्न आया है इस साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इस टर्न की वजह से एक नॉन पिगमेंटेड रीजन अपीयर हुआ है, जिसे हमने कह दिया है ग्रे क्रिसेंट। अच्छा ये ग्रे क्रिसेंट क्यों अपीयर हुआ? साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से। यहाँ कोई न्यूक्लियस च्यूक्लियस का काम नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस कर ली है, अब हमने साइटोप्लाज्म की इंपॉर्टेंस देखनी है, राइट? तो अब तक हमने क्या बात की, दोबारा देख लेते हैं। हमने कहा कि ये एनिमल पोल है एग का, ये वेजिटल पोल है जहाँ ये प्रेजेंट है, ये बात तो हम हर पहले भी कर चुके थे। हमने कहा ये साइट है एंट्री ऑफ स्पर्म की। जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा, तो जो कॉर्टिकल रीजन होगा साइटोप्लाज्म का, वो ये देखो यहाँ से भी टर्न कर रहा है, यहाँ से भी टर्न कर रहा है, और इसके टर्न होने की वजह से एक छोटा सा नॉन पिगमेंटेड रीजन अपियर हुआ है, जिसे हम ग्रे क्रिसेंट कहते हैं, राइट? ये ग्रे, अच्छा इस ग्रे क्रिसेंट तो हमने कहा कि ये साइटोप्लाज्म की वजह से फॉर्म हुआ, अब इसकी इम्पोर्टेंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हमने कहा कि वो जो पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म है ना, ये वाली साइट क्या बनाएगी? डॉर्सल साइट बनाती है, हमेशा डॉर्सल साइट बनाती है उस इंडिविजुअल की, और दूसरी साइट उसकी वेंट्रल साइट बनाएगी। अब आप देख रहे हो नेचुरली ये जाइगोट, अब तो ये जाइगोट कहलाएगा ना, क्योंकि अब इस एग को फर्टिलाइज करवा दिया गया, ठीक है, स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया है इस एग को, ठीक है, तो अब हम इसे क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। ये जाइगोट जाहिर सी बात है अब क्या करेगा? क्लीवेज करेगा, डिवाइड करेगा अपने आप को। तो देखो नॉर्मली इसने अपने आप को किस तरह से डिवाइड किया, क्लीवेज यहां से स्टार्ट हो रही है, ग्रे क्रिसेंट को बीच में से कट करके ये अपने आप को डिवाइड कर रहा है, यानी कि दोनों सेल में ग्रे क्रिसेंट जा रहा है, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब देखते हैं हैंस स्पीमन अंकल को क्या प्रॉब्लम आ गई है। ये देखो हैंस स्पीमन अंकल ने कहा इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस तो पता चल गई, तसल्ली नहीं हो रही, इम्पोर्टेंस ऑफ साइटोप्लाज्म भी पता लगाते हैं। अब उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए एम्ब्रियो के साथ क्या किया? ये था जाइगोट, ठीक है, ग्रे क्रेसेंट अपियर हो चुका है, ये रहा जाइगोट, ग्रे क्रेसेंट अपियर हो चुका है, ये जरा इसका साइड व्यू दिखाएं। अब नॉर्मली ये जाइगोट इस तरह से डिवाइड करता है कि ग्रे क्रेसेंट दोनों सेल्स में जाता है। ये है हम स्पीमन अंकल, इन्होंने ये थ्रेड नहीं था, ठीक है, ये लिया था इन्होंने ह्यूमन हेयर, इन्होंने लिया ह्यूमन हेयर,
इन्होंने इस एम्ब्रियो को यानी कि जाइगोट को ऐसे डिवाइड किया कि ग्रे क्रिसेंट एक साइड पर और एक साइड वाले सेल में ग्रे क्रिसेंट आया ही नहीं। ठीक है, एक साइड पर ग्रे क्रिसेंट आया और एक साइड पे ग्रे क्रिसेंट आया ही नहीं। अब जब इन अंकल ने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो हमने कहा था ना कि जाइगोट के बाद दो सेल बने थे, और इन अंकल ने एक को अलग कर दिया, दूसरे को अलग कर दिया, और दोनों ने पूरा पूरा इंडिविजुअल फॉर्म किया। ठीक है, यहाँ पर अंकल ने दोनों को अलग अलग कर दिया, लेकिन जिन जिस सेल में ग्रे क्रेसेंट गया था वो तो नॉर्मली आराम से डेवलप हुआ और इंडिविजुअल फॉर्म हो गया। जहां पर ग्रे क्रेसेंट नहीं गया था वहां पर एक अनडिफरेंशिएटेड सा अजीब सा मास फॉर्म हो गया, लेकिन इंडिविजुअल फॉर्म नहीं हुआ। तो इस एम्ब्रियो की तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। ठीक है, तो तीन तीन इंडिविजुअल्स तो इस एक्सपेरिमेंट में प्रॉपरली डेवलप हो गए, एक की उन्होंने जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? क्योंकि इस बेचारे को उन्होंने ग्रे क्रेसेंट नहीं दिया था। और ग्रे क्रेसेंट था क्या? साइटोप्लाज्म का था ना रीजन। इट मींस कि कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस है, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि अब तो साफ पता चल रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंस है साइटोप्लाज्म की भी। किसके साथ? इन न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि अब तक तो ये सब देख रहे थे कि न्यूक्लियस की इम्पोर्टेंस क्या है, अब पता चला है इन्हें कि नहीं, साइटोप्लाज्म की भी इम्पोर्टेंस है। साइटोप्लाज्म नहीं गया, एक रीजन था पूरा ये साइटोप्लाज्म का ये वाला, ये नहीं गया तो इंडिविजुअल ही फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, इट मींस कि न्यूक्लियस गया लेकिन साइटोप्लाज्म प्रॉपरली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोनों सेल्स में, तो न्यू इंडिविजुअल प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ है। इट मींस कि साइटोप्लाज्म की भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक अब देखते हैं ये, हम ये बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है न्यूक्लियस की, इम्पोर्टेंस क्या है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की इम्पोर्टेंस तो खैर क्लियर हो ही गई है। अब हम बात करते साइटोप्लाज्म की, जो कि अभी हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला कि साइटोप्लाज्म अगर प्रॉपरली हो तो इंडिविजुअल भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता। अब ये वाली बात देखो जरा और से, हमने देखा ये एक सेल था। ठीक है, ऊपर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये एक सेल है, मेरा कर्सर क्यों नहीं काम कर रहा? ओ ओ अच्छा, ये बताओ यहां तक क्लियर है? जब तक मैं इस लैपटॉप का दिमाग सही करूं, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस तो आई गेस क्लियर हो गया होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं हुआ होगा तो वो तो मैं भी समझाऊंगी। जरा मैं इसे देखूं कि इसको हुआ क्या है। ओहो, स्टॉप रिकॉर्डिंग।